हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ जो है केसर फिरनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और सुपर अमेजिंग होती है। चावल, दूध और शुगर का एकदम परफेक्ट रेशो और एकदम बाजार जैसी फिरनी आप इजीली घर पर बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस लगती है ये। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है मैंने इस रेसिपी को शेयर किया है। रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केसर फिरनी। केसर फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चावल। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है 4 टेबलस्पून जो है चावल लिए हैं। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 50 ग्राम है। इन्हें हम एक बाउल में डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार पानी से जो है वॉश कर लेंगे। हमें जो है चावलों को सिर्फ हल्का सा पानी से वॉश करना है ताकि इसमें जो कोई मोटी गंदगी हो वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे वॉश नहीं करना है, हमें इसका जो स्टार्च होता है ना उसे नहीं निकालना है। अब हम इसे जो है पानी में भिगोकर आधा घंटा के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह के। अब हम जो है एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर देंगे और एक ग्राइंडिंग जार में जो है इसे ऐड करेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। हमने इसका फाइन पेस्ट तो बनाया है लेकिन इसमें हल्का हल्का जो है दरदरा सा दाना है। ये देखिए इस तरह का हल्के हल्के जो है चावल के छोटे छोटे इसमें कण होने चाहिए, जिससे फिरनी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे हम जो है एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी या फिर आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 1 लीटर दूध ले रही हूँ। टोटल मैंने फिरनी बनाने के लिए 1 लीटर दूध लिया है, उसमें से 1/4 कप दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और अब इसे हम जो है साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसमें ऐड किया है 1 लीटर दूध। टोटल मैंने 1 लीटर दूध यूज किया है, इसमें से 1/4 मैंने जो है चावलों वाले पेस्ट में ऐड कर दिया है। इसे हम जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है स्टर करते रहेंगे, इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही हमारे दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा हम यहाँ पर जो है केसर के थोड़े से जो है स्ट्रेंथ यानी कि उसके लच्छे ऐड करेंगे ताकि हमारे जो है फिरनी में एक अच्छा सा कलर और एक फ्लेवर आ सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो केसर ऐड किया है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर हम जो चावलों वाला पेस्ट है उसे ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम जो है दूध में इसे अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। इसे लगातार जो है हम मीडियम फ्लेम पर जो है कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। फिरनी को हम जो है लो फ्लेम पर जो है पकाएंगे ताकि हमारी जो फिरनी है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी, रिच और जो है बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए चावल के जो दाने हैं वो हल्के हल्के पकने लगे हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर आराम से हम जो है पकने देंगे 10 से 15 मिनट। और ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारी जो फिरनी है ना वो स्टेज पर आ गई है, काफ़ी अच्छा बॉयल आने लगा है, दूध जो है काफ़ी हद तक थिक हो गया है। ये देखिए हमारे जो चावल के दाने हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो फिरनी है ना वो फिरनी की तरह थिक और क्रीमी नहीं हुई है, इसीलिए हमें इसे अभी भी मीडियम फ्लेम पर जो है 5 से 7 मिनट जो है पकाएंगे। और ये देखिए हमारी जो फिरनी है वो काफ़ी रिच और क्रीमी हो गई है। इसे लगातार हम जो है लो फ्लेम पर कुक करते रहेंगे। ये देखिए साइडों में जो ये मलाई लग जाती है इसे भी हम जो है खरोंच कर इसमें मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारी जो फिरनी है ना बहुत ही एक्स्ट्रा क्रीमी और सुपर रिच बने। ये देखिए बहुत हद तक हमारी जो है फिरनी एकदम क्रीमी हो गई है। ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जब आप इसे स्पून से चेक करेंगे तो स्पून के पीछे देखिएगा इस तरह की जो है ना कोटिंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से स्पून पर कोट हो रही है, इट मीन्स हमारी जो फिरनी है ना वो बहुत ही अच्छे से रेडी हुई है। जब इस स्टेज पर हमारी फिरनी आ जाए, स्पून पे अच्छी सी कोटिंग आने लगे, तो हम अच्छे से जो है उसे मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर हम यहाँ पर जो है ना शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी रिच और क्रीमी हो गई हमारी फिरनी। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम शुगर। शुगर हमने यहाँ पर ली है 8 टेबलस्पून।
जी हाँ, जितना हम चावल लेंगे उसकी दुगनी हमें जो है शुगर ऐड करनी है। ग्राम्स में देखें तो ये 100 ग्राम्स है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है 2 इलायची को भी क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, शुगर डालने के बाद हमारी जो फिरनी है वो थोड़ी सी लिक्विडी हो गई है। ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें शुगर ऐड किया है और शुगर जो है अपना मॉइस्चर रिलीज करता है। ये देखिए, इसीलिए हम जो है फिरनी को 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से फिर से कुक करेंगे, ताकि हमारी जो फिरनी है ना बहुत ही टेस्टी और यमी बन सके। ये देखिए, और 5 से 7 मिनट जो है मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये देखिए, हमारी जो फिरनी है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म जो है केसर फिरनी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे थोड़े से केसर के धागों, बादाम और पिस्ता से जो है डेकोरेट किया है, और हल्की सी मैंने यहाँ पर जो है गुलाब की पत्तियाँ लगाई, जिससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी फिरनी। और ये लीजिए, एकदम गर्मा गर्म फिरनी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी और डिलीशियस लगती है ये, और देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, आप इसे गर्म या ठंडा कैसे भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। बहुत ही रिच और क्रीमी, ये देखिए, और बहुत ही ना आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप इसे जब भी मीठा खाने का मन हो इजीली बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।